बड़वानी जिले के पलसूद मामले में सिख ग्रंथी के साथ हुई पुलिस बर्बरता के मामले में इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सिख समाज व पुलिस और इंडिपेंडेंट लोगों से मुलाकात कर कहा, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं उनके विश्लेषण के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आईजी विवेक शर्मा ने कहा कि घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है, घटना में जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं कल एक नंबर भी जारी करूंगा, अगर किसी व्यक्ति को घटना के संबंध में कोई जानकारी हो तो इसके लिए नंबर जारी किया जाएगा। आईजी साहब ने जो आश्वस्त करा है, इससे ऐसा तो प्रतीत होता है उनकी बातचीत से, ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने आश्वासन दिया है ये मात्र आश्वासन नहीं होगा, इसको निश्चित ही अमली जामा पहनाया जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। द्वारा घटनास्थल पर वार्ड नंबर 15 जहाँ पर प्रेम सिंह रहते हैं वहाँ पर जाकर थाने में भी यहाँ के कर्मचारी जो उस समय घटना पर मौजूद थे, थाना प्रभारी इत्यादि सबसे पूछताछ की गई है। वहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं उनको वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज एक एक्वायर किया गया है। तो ये सारा जो साक्ष्य है ये अभी संकलन अभी इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं एक नंबर भी कल एक जारी करूँगा जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को, कई बार पुलिस में जांच में प्रत्यक्ष रूप से कोई सामने नहीं आता है पर उसके पास इस घटना के संबंध में जानकारी हो सकती है, तो वो नंबर कल जारी किया जाएगा। और एक बार सारे साक्ष्य आ जाते हैं तो उनका आकलन करके उनका विश्लेषण करने के बाद इस जांच को कोई प्रथम दृष्टि आपके प्रथम दृष्टि इसमें कुछ नहीं है। अभी देखिए जांच है, दोनों पक्षों की तरफ से उनके उनका जो वर्जन है वो आया है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी हैं, उनको भी उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और इसका विश्लेषण के बाद